फ्रेंड्स, जुगाड़ से हम बना रहे जिम्बर। उसके लिए मैंने दो बेरिंग लिया है, नट लिया है और नट से चाबी बनाया है। और देखिए आप, एक बोल्ट और एक नट, और ये बोल्ट, कुछ बोल्ट लिए हैं, और ये सेल्फी स्टिक का आगे का पार्ट्स जो ख़राब हो गया था, और कुछ पाइप। अब फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए, मैं इस चैनल पे इस तरह की जुगाड़ू वीडियो लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और देखिए, मैंने इस तरह से बेरिंग को नट बोल्ट के अंदर फंसा लिया है, जिससे बेरिंग अच्छी तरह से फ्रीली घूम रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम दोनों बेरिंग को बोल्ट के अंदर अच्छी तरह से फंसा लेंगे, और बोल्ट और बेरिंग दोनों फ्रीली घूमना चाहिए, तो जिम्बल बरोबर से काम करेगा। देखिए, इस तरह से दोनों को मैंने अच्छी तरह से अलग अलग बना लिया है। देखिए, अच्छी तरह से घूम रहा है एकदम फ्रीली, ये दोनों बन गए। अब इस तरह से पाइप लेंगे, उसके अंदर दोनों को हम फिट करेंगे, वो भी एक ही पोजीशन में। और फ्रेंड्स, ध्यान हमें ये देना है कि इसके अंदर जब भी हम बेरिंग फिट करें तो बेरिंग और पाइप, ये दोनों बेरिंग मतलब बोल्ट और पाइप एक ही स्ट्रेट लाइन में हो सके। देखिए, फिट करने के बाद ये इस तरह से एकदम फ्रीली घूम रहा है, एकदम फ्रीली। इस तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिया है। ये बोल्ट हम यहाँ पर फिट करेंगे, मतलब पहले अपना सेल्फी स्टिक का जो पार्ट हमने लिया था उसे यहाँ पर फिट करेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे बोल्ट से। अब ये इसके अंदर फिट होने के बाद आप चेक करना है कि फ्रीली घूमता है या नहीं। अगर फ्रीली नहीं घूमेगा तो जिम्बल काम नहीं करेगा। इस तरह से फ्रीली घूमना चाहिए, देखिए एकदम स्मूथली घूम रहा है। और इसके बाद इसे हम यहाँ पे कट मारेंगे, ताकि इसके दूसरे पाइप को हम यहाँ पर बिठा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं कट नहीं मारूँगा, मेरे पास ये पार्ट्स पड़ा था, तो ये पार्ट को ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा। आप चाहो तो इसके अंदर कट मार सकते हो, पाइप को अटकाने के लिए, फंसाने के लिए। यहाँ पर साइड से इस एक्सो ब्लेड की मदद से दोनों साइड, थोड़ा थोड़ा इस साइड और इसके और इस साइड, आप कटिंग करके आप पाइप फंसा सकते हो, ताकि उस पाइप को हम किसी भी एंगल में मोड़ सके। मेरे पास ये पड़ा था, इसलिए मैंने इसे फिट कर लिया है। और पाइप को भी आप इसी तरह से यू शेप में कटिंग करना है। और इस पाइप को आप इसके अंदर अंदर मतलब इस पाइप को थोड़ा चपटा कर लेना है, ताकि आप जो पाइप कटिंग करोगे उसके अंदर अच्छे से ये फिट हो जाए। इस तरह से ये इसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो जा रहा है। और इसे भी देखना ये ज़रूरी है कि दोनों पाइप जब हम ज्वाइन करेंगे तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और इस तरह से मूव अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे मैंने इस तरह से होल्ड कर लिया, इसके अंदर मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। अब जो मैंने वो बोल्ट बनाया था चाहिए, इसे हम यहाँ पर फिट करेंगे। ये इसके टाइट एंगल को किसी भी पोजीशन में टाइट रखने के लिए काम आएगा। तो इसे मैंने बोल्ट से फिट कर लिया, इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। अब इसे आप जिस पोजीशन में रखकर इसके टाइट करोगे, ये उस पोजीशन में एकदम फिक्स टाइट हो जाएगा। देखिए, हिल भी नहीं रहा है। आप इसे एल एंगल में रखोगे और टाइट करोगे तो भी टाइट हो जाएगा। अब जिस एंगल में रखोगे इसे, उस एंगल में ये टाइट हो जाएगा। इस तरह से मूव करेगा, और यहाँ पे इस तरह से ये बेरिंग मूव करेगा। इसे फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स लेंगे एक बोल्ट। इस बोल्ट के ऊपर मैंने प्लास्टिक का कवर चढ़ाया है, ताकि इसे हम एल्बो में फिट करें तो अच्छे से टाइट फिट हो। तो अब फ्रेंड्स देखिए, हमें इस बोल्ट को बाहर से ही पहले फिट कर लेना है, ताकि ये जब अंदर एल्बो में इसे हम डालेंगे तो वहाँ पर ये अच्छी तरह से काम करे। इस तरह का एल्बो लिया है मैंने, जिसके अंदर मैंने प्लास्टिक का रिंग लगाया है, उसमें ये बोल्ट हम फिट करेंगे इस तरह से, ताकि ये इसकी पकड़ छोड़े नहीं। इसे हम फेविक्विक की मदद से टाइट करेंगे। ध्यान देना ये कि बेरिंग के अंदर फेविक्विक ना जाए, वरना जिम्बल वर्क काम नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह का एल्बो में
ऐड कर देंगे और ये हमारा जिम्बल हो गया तैयार। तो फ्रेंड्स अब चाहो तो इस एल्बो के नीचे एक और पाइप लगा सकते हो एक्स्ट्रा, ताकि आपके पकड़ने में आपका हैंडल बन सके। तो फ्रेंड्स जिम्बल ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।